ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे गुरुवर, हे सद्गुरु, आज श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 47 का पठन होने जा रहा है। हे बाबा, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम सब भक्त इस पाठ से लाभान्वित हो, सबके चित्र में उतरे। आइए शुरू करते हैं अध्याय 47। पुनर्जन्म वीरभद्रप्पा और चैन बासप्पा, सर्प व मेंढक की वार्ता। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीर भद्रप्पा और चैन बसप्पा के संबंध में है। प्रस्तावना। हे त्रिगुणातीत ज्ञानावतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो, तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि वे कब पधारें और मुझे अपने चरण रज से पावन करें। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं, अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनो। सर्प और मेंढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधार कर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगा कर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेंढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कष्ट लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी दो घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेंढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण ना कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीर भद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेंढक की ओर तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है?
अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेंढक भी कूद कर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्द को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चैन बासप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनने लगा। मेरे निवास स्थान से लगभग 4 से 5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहां महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहाँ के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की, इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय ना की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहेब कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए, आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं। अतः आप पुनः योजना बनाइए, हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दिया। उसने रुपये तो ले लिया, परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना तुम्हें अधिक दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज़्यादा रुपए खर्च कराने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? यह स्वप्न शुभदायक नहीं, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है। इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो, भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वह तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उसके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो और ना उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कर्पण सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कोड़ी मोल लेकर केवल 1000 रुपयों में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की ना थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो इसके यहाँ 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घकाल तक वह ऋण चुकाकर उसे वापस ना ले सकी, इसलिए उस धूर्त कर्पण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार ना होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई।
एक दिन बहुत जोरों से झंझावत आया और अतिवृष्टि हुई। उस कर्पण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कर्पण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्म पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के गुरव सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बासप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। उस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपयों में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रतिवर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया और वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को भी कुछ ना दो। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा स्वयं मैं के परामर्श से करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं ये बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चैन बसप्पा दोनों ही यहाँ झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चैन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैन बसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चैन बसप्पा मेंढक। चैन बसप्पा की पुकार सुनकर और मैं अपने पूर्व वचन की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चैन बसप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरीय लीला ही है। शिक्षा: इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है।
धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परनमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम।